हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण्स रसोई घर। आज हम बना रहे हैं सूजी मावा के लड्डू, जो काफी स्वादिष्ट है, काफी इजी वे में बन जाते हैं और इंग्रेडिएंट्स भी इसमें काफी कम लगते हैं। वैसे इसको चाशनी में बनाते हैं, बट क्योंकि मेरे को रेसिपी को इजी करना था, इसीलिए आज मैंने बिना चाशनी वाले लड्डू बनाए हैं। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन, सो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जो भी मैं अपनी रेसिपीज अपलोड करूंगी। थैंक यू। आज हम बना रहे हैं सूजी और मावा के लड्डू। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ ली है 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी शक्कर का बूरा। अगर आपको मार्केट में बूरा नहीं मिले तो आप घर पे मिक्सर में दरदरा शक्कर को पीस ले। और 1 कटोरी मैंने यहाँ लिया है मावा, खोया भी बोलते हैं इसे। और आधी कटोरी ली है मैंने यहाँ पे घी। और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, उसमें चॉप्ड काजू, पिस्ता और कुछ किशमिश है। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 स्पून कोकोनट का बूरा है ये। और उसके साथ है ये केसर, काली मिर्च का पाउडर और यहाँ पे है ये कार्डमम इलायची पाउडर। मैं कढ़ाई में घी ले रही हूँ। मैं डाल रही हूँ उसमें सूजी। हमें सूजी काफी धीमी आंच पे, लो फ्लेम पे इसको सेकनी है, सॉटे करना है। मैंने यहाँ पे अभी आधी कटोरी ही घी लिया है, क्योंकि अगर बाद में मुझे लगा कि अगर कम है घी तो मैं ऊपर से ऐड कर सकते हैं इसमें। बट अगर अभी घी ऐड हम ज्यादा करेंगे तो हमारे लड्डू बनने में प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए मैं इसमें अभी 1/2 कप ही मैं घी ले रही हूँ। यहाँ मुझे 1 से 2 मिनट हो गए हैं इसको सेकते हुए। अभी 4 से 5 मिनट्स और लगेंगे, इसको धीमी आंच पे हमें सेकना है बहुत। अभी इसमें थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, इसमें 1/2 सॉटे हो गया है ये। अभी 2 मिनट्स और लगेंगे। आप देख सकते हैं कि सूजी ने अपना कलर चेंज कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट, क्योंकि ड्राई फ्रूट भी इसके साथ सिक जाएंगे। उसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 स्पून ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर ऑप्शनल है, आप इसमें ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये जो सारी क्वांटिटी है वो एक बोल के मेजरमेंट से लिया था। 1 कटोरी खोया, 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी मैंने शक्कर का बूरा लिया है। अगर आपको ग्राम में मेजरमेंट लेना है तो आप 150-150 ग्राम सब ले सकते हो, या 200-200 ग्राम कर सकते हो, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। इसे सेकते हुए मुझे अप्रोक्स 5 मिनट्स हो गए हैं और अच्छी से स्मेल भी आने लग गई है। 1-2 मिनट के लिए मैं और सॉटे कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा भी कच्चापन नहीं रहे इसमें। आप देख सकते हैं ये जो किशमिश है वो फूल गई है, बस ये हो गया। अभी मैं इसको सर्विंग बोल में डाल रही हूँ एक बार, ताकि हम बाद में इसी कढ़ाई में वापस में मावा भी सेकने वाली हूँ। देखिए, मैंने इसको एक बोल में निकाल दिया है और मैं वही सेम कढ़ाई यूज करने वाली हूँ मावा सेकने के लिए। मैं इसमें डाल रही हूँ मावा। ये भी हमें स्लो फ्लेम पे धीमी आंच पे ही सेकना है, इसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ध्यान रहे कि आपको कंटिन्यूसली इसको स्टियर करते रहना है, ये चिपकना नहीं चाहिए और इसका भी कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सैफ्रॉन, केसर। मैंने यहाँ 1 पिंच सैफ्रॉन केसर लिया है, इसमें 10-15 इसकी थ्रेड्स होगी।
अब ये हो गया है, मैं इसको इस बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ। इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने देंगे, क्योंकि ये इतना गर्म है, अगर मैंने अभी इसके अंदर शुगर ऐड करी तो शुगर जो है वो पानी छोड़ देगी और हमारे लड्डू जो है वो अच्छे से बाइंड नहीं होंगे, लड्डू बनेंगे ही नहीं। इसीलिए इसको पूरी तरह भी ठंडा नहीं करना है, जब ये मीडियम गर्म रहे तब मैं इसमें शक्कर का बूरा और इलायची पाउडर ऐड करूंगी। मावा को इसके अंदर काफी अच्छे से आपको मिक्स करना है। इलायची पाउडर अब ये थोड़ा हल्का ही गर्म है, इसमें मैं शुगर भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अगर ज्यादा ठंडा हो गया तो हमारे लड्डू जो है वो बाइंड नहीं होंगे। और मैं इसको हाथ से मिक्स करूंगी, जो भी लम्स हैं मैं उनको अच्छे से मैश कर दूंगी। फ्रेंड्स, सब कुछ मिक्स करने के बाद मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा है, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घी 3 to 4 स्पून। तो हमारा टोटल जो घी का क्वांटिटी है वो हाफ कटोरी से बढ़ के 3/4 कटोरी हो जाएगा। ये हमारा लड्डू एक तैयार है, अब हम इस कैसे करते हुए हम सारे लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनने के बाद आप ऐसे ऐसे कीजिए तो उससे क्या होगा, गोल आपका राउंड जो शेप आ जाएगा लड्डू में, ये देखिए। अगर आपको लगता है कि आपके लड्डू बाइंड नहीं हो रहे हैं तो इसमें हम गर्म करके दूध भी डाल सकते हैं, हार्डली 2 to 3 स्पून हमें डालना है अगर बाइंड नहीं हो रहे हैं तो। राउंड राउंड कीजिए तो आपके जो लड्डू का है जो प्रॉपर शेप राउंड आ जाएगा। ये अभी काफी ठंडा हो गया है और थोड़ा बाइंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कितना इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। 1, 2। और ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको गर्म दूध ही लेना है, ठंडा दूध नहीं लेना है। दूध डालने के बाद जो हमारा ये लड्डू है काफी इजीली बाइंड हो रहे हैं। ये देख सकते हैं काफी अच्छे से बाइंड हो रहा है ये। अगर आपको लगे कि आपके लड्डू जो है काफी ठंडे हो गए हैं या ये सूख गया है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध गर्म करके डालना है, थोड़ा सा मीन्स 1 से 2 चम्मच या 3 चम्मच, उससे ज्यादा मत डालिएगा। क्वांटिटी भी डिपेंड करती है, यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सब लिया है। अगर आप ज्यादा लड्डू बना रहे हैं तो माइट आपको ज्यादा दूध की जरूरत लगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू बन के रेडी है। ये जितने स्वादिष्ट बने हैं उसको बनाना उतना ही इजी है, तो आप इसको जरूर ट्राई करें और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपको ये लड्डू कैसे लगे हैं। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी। सो थैंक यू।